दोस्तों नमस्कार, आई अमेरिकी ग्रैंड मास्टर एंड हिप्नोथेरेपिस्ट मगन सिंह फ्रॉम महेंद्रगढ़ हरियाणा आपका दोस्तों कानोड़ी आयुर्वेद में स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं हर रोज़ आपके लिए एक नई जड़ी बूटी, नई औषधि को लेकर आता हूं, जो हमारी बड़े से बड़ी बीमारियों को ये औषधियाँ जड़ से ख़त्म कर देती हैं। ऐसी जानकारी मैं रोज़ाना एक नई नई जानकारी लेकर के आपके सामने आता हूँ। आज आप देख रहे हैं एक जड़ी बूटी, आप मेरे ये गले में देख रहे हैं, ये माला मैंने बना रखी है, ये एक बहुत चमत्कारी जड़ी बूटी है। दोस्तों इस जड़ी बूटी से आपके कई प्रकार के रोग बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देते हैं। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं, ये फल है, ये किस चीज़ का फल है इसकी मैं पूरी जानकारी दूंगा, ये किन किन बीमारियों में काम आती है और इसके किस तरह से हम इसके उपयोग कर सकते हैं। इसके कई तरीके से हम प्रयोग करके हम अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं और इसके अचार बना सकते हैं, इसका मुरब्बा बना सकते हैं, हमें इसका पाउडर बना करके हम फाकी भी बना सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये हम कई प्रकार से इसके उपयोग कर सकते हैं, इसके फ़ायदे उठा सकते हैं। दोस्तों अब चलते हैं, मैंने ये एक कनाल के अंदर ये इसकी बेल को लगाया हुआ है और ये मई का महीना है और मई महीने में ये फल आपको देखने को कहीं नहीं मिलेंगे। मेरे पास ये मई का महीना में ये फल लगे हुए हैं क्योंकि मैं इनकी आयुर्वेद की औषधियाँ सैकड़ों प्रकार की लगा रखी हैं और बहुत इनका मैं रख रखाव करता हूँ हर तरह से। आप इसके अब मैं बताऊँगा आपको, ये दिखाऊँगा बेल किस तरह फैली हुई है मेरे पास और ये फल मैंने अभी तोड़े हैं और तोड़ करके मैं अब इनकी दवा बनाऊंगा। वो किस किस तरीके से दवा बनाऊंगा वो आप देख रहे हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं इन बेलों के पास। ये जो बेल देख रहे हैं ये है इंद्रायन की बेल। इंद्रायन, गरमुंडा, गुड़तुम्बा, इसको कई नाम से बोला जाता है। वैसे इसको बोटनिकल नाम है वो कोलोसिंथ है और इसको बिटर एप्पल के नाम से भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये इंद्रायन, ये गड़तुम्बा, गरमुंडा, अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से इसको ऐसे नाम दिए हुए हैं, लेकिन आयुर्वेद में इसको इंद्रायन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, ये उत्तरी भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में, जंगली क्षेत्रों में और जंगल के इलाकों में और सब जगह नहरों पर, खेतों की मेड़ों पर ये आराम से हर जगह आपको देखने को मिलता है। और राजस्थान में तो दोस्तों ये बहुतायत मात्रा में हज़ारों टन राजस्थान से आता है, जो दवाई बनाने के काम में आते हैं, ट्रक के ट्रक भर कर के राजस्थान से आते हैं, जो ज़मींदार लोग इसको बिक्री भी कर देते हैं और इससे आयुर्वेदिक दवाई कंपनी जो बनाती हैं वो ख़रीद कर लाते हैं। दोस्तों इसको किस किस बीमारी में काम आता है ये मैं फ़ायदे बता देता हूँ। दोस्तों इसकी जड़ को अगर इसका रस निकाल करके या काढ़ा बना करके पीलिया के मरीज़ को अगर पिलाएंगे तो उसका पीलिया पूरी तरह से ठीक हो जाता है। दोस्तों इसकी बेल का रस भी पिला सकते हैं, बेल का रस और इसकी जड़ दोनों का रस मिल आप काढ़ा बनाकर पिलाएंगे तो आप उसको पीलिया की बीमारी को पूरी तरह जड़ से ख़त्म कर देता है। दोस्तों शुगर का ये रामबाण इलाज है। दोस्तों इसके मैं तरीके आगे बताऊंगा, इसके अचार डालते हैं, इसकी फांकी पाउडर बनाया जाता है, आप इसको दोनों तरह से यूज़ करके करेंगे तो आपकी शुगर का नामो निशान नहीं रहेगा, आपकी शुगर पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगी। दोस्तों कब्ज़ को ये रामबाण इलाज है। दोस्तों ये स्पेशल कब्ज़ के लिए, पेट रोगों के लिए प्रकृति ने हमें वरदान के रूप में दिया है। दोस्तों इसके भी इसका जो तरीका है पाउडर बनाने का वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। और इसका अचार डालते हैं, इसकी मीठी कैंडी डालते हैं, मीठा मीठा अचार भी बनता है और इसका
पेट के लिए इसका पाउडर बना करके फांके के रूप में भी इस्तेमाल करके हम अपने पेट के रोगों को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, पेट में अगर किसी को कीड़े हैं तो पेट के कीड़ों को ये 2-4 दिन के सेवन से उस पेट के कीड़े पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं। दोस्तों, मूत्र रोगों में ये बहुत रामबाण औषधि है। अगर किसी को मूत्र खुलकर नहीं आता, मूत्र पेशाब में जलन रहती है, तो दोस्तों इसकी जड़ का रस और इसकी बेल का रस दोनों का अगर मरीज को पिलाएंगे तो आपका मूत्र खुलकर आएगा और जलन पेशाब में जो जलन होती है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, गठिया का रामबाण इलाज है ये। जोड़ों का दर्द, गठिया का दर्द, आपके जोड़ों का दर्द को, गठिया का दर्द को इसका सेवन, इसके फलों का पाउडर का सेवन, इसकी जड़ की और बेल का काढ़ा का सेवन आप करेंगे तो आपके जोड़ों का दर्द, गठिया का दर्द पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों इसके अंदर जो बीज निकलते हैं उस बीज का तेल निकाला जाता है, वो वीडियो में आगे मैं उसका भी वीडियो आपको बनाऊंगा, उसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा। इसके बीजों का तेल बनाया जाता है। दोस्तों, इसके बीजों से तेल जो बनता है वो दर्द के काम में बहुत रामबाण दर्द का इलाज करता है दोस्तों। और सिर के बालों में अगर आपके बाल काले होते हैं, बाल झड़ रहे हैं, तो उस तेल को बनाने से, उस तेल को अगर सिर में लगाएंगे, बालों में लगाएंगे, तो आपका सिर का दर्द भी दूर होगा और आपके बाल भी काले घने हो जाएंगे और चमकदार बनेंगे। दोस्तों जिनको जलोदर की बीमारी है, जिनके पेट में पानी भर जाता है, वो कई प्रकार से होता है दोस्तों। जिनके लीवर में खराबी है या किडनी में खराबी है या किसी और इन्फेक्शन की वजह से उनके बीमारी, ये पेट में जलोदर की बीमारी, एसाइटिस बोलते हैं जिसको, ये एसाइटिस को जड़ से ख़त्म करता है। आपके पेट का जो पानी अंदर भरा हुआ है उसको मलमूत्र के द्वारा धीरे धीरे ये पूरी तरह से बाहर निकाल करके आपके जलोदर की बीमारी को ठीक करता है। दोस्तों इसका सेवन आप आचार के रूप में कर सकते हैं, कैंडी के रूप में कर सकते हैं। इसका रोज़ाना 1 चम्मच पाउडर आप लेकर के इसका इलाज कर सकते हैं और इसकी जड़ का आप रस भी पी करके आप इस जलोदर की बीमारी को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों जिनको जाँड़ दाँत में, मसूड़ों में इन्फेक्शन है, बार बार में जाड़ दांतों में इन्फेक्शन होता रहता है, दर्द होता रहता है, तो दोस्तों इसकी जड़ की दातुन आप करेंगे तो दोस्तों आपका कुछ ही दिन में आपके मुंह का सारा इन्फेक्शन, मसूड़ों का इन्फेक्शन, जाड़ दांत का इन्फेक्शन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों जिनको शुगर की बीमारी है वो इसमें जामुन की गुठली और खजूर, इंद्र जो आता है, इन सब का आप पाउडर बनाएंगे और इसका भी जो आपको ये इंद्रायन है, इंद्रायन का पाउडर के साथ मिला करके आप रोज़ाना सुबह शाम 1-1 चम्मच इसका पाउडर को आप सेवन करेंगे तो दोस्तों आपकी बिल्कुल ही शुगर पूरी तरह से कुछ ही दिनों में, लगभग 1 महीने में आपकी शुगर पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगी। दोस्तों इसका सेवन अधिक ना करें आप, क्योंकि ये पेट में मरोड़ भी पैदा करता है, क्योंकि ये पेट से मल त्याग को बाहर निकालता है, पेट की आंतों की सफाई करता है। दोस्तों ये आपकी कितनी भी पुरानी कब्ज है, आपकी पूरी तरह से कब्ज को ख़त्म करके, आंतों को साफ करके पूरी तरह से स्वस्थ करेगा, आपके पेट के सभी बीमारियों को ख़त्म करेगा। तो दोस्तों इसका सेवन अधिक ना करें, ये ना सोचें मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, इसका सेवन मात्रा ज़्यादा बढ़ा दें, नहीं, मात्रा इसका केवल 1 ही चम्मच का रोज़ाना सुबह शाम 1-1 चम्मच का खाना खाने के बाद सेवन करना है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी जानकारी इसके बारे में। दोस्तों मैं हर रोज़ आपके लिए ऐसे ही जानकारी लेकर आता रहता हूँ और कल भी मैं आपको एक नई औषधि के बारे में मैं जानकारी देने आऊँगा। दोस्तों तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें और दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे वीडियोज़ को लोगों को शेयर करें, यार दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सभी को शेयर करें
ताकि इन आयुर्वेद की जड़ी बूटियों को दोस्तों मैं हर घर तक पहुंचाना चाहता हूं। इनकी जानकारी को हर इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, ये फ़ायदे हम उठा नहीं पा रहे, इनकी जानकारी हमें नहीं है, इस वजह से हम इनको बेकार की चीज़ें समझकर इनको नष्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों आप इन मेरे वीडियो को देखकर लोगों को शेयर करें और इसका फ़ायदा ताकि और लोगों को भी हो सके। दोस्तों आप मेरे वीडियोस को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।